अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लोग सऊदी अरब में भाग कर काम करते हैं तो उन लोगों के लिए 31 दिसंबर 2021 ये लास्ट डेट रख दी गई है। इसके बाद अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर वो ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिए जाएंगे, जुर्माना भी होगा और जेल भी हो जाएगी। यानी कि जो लोग इस टाइम पे भाग कर काम कर रहे हैं या फिर जिस कफिल के पास आए थे उस कफिल को छोड़कर किसी और के पास काम कर रहे हैं तो फिर अब उन लोगों को घर जाना ही होगा। अब उनका कोई गुजारा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोग अब ज़्यादा दिन तक काम कर सकें। जो लोग भी भाग कर काम कर रहे हैं उनको अपने आप को सरेंडर करना होगा या फिर वो 31 दिसंबर से पहले पहले छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अगर बाद में पकड़े जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। पहले ऐसा होता था कि लोग उमरा वीज़ा के ऊपर आते थे और भाग कर कई साल काम करते थे, अच्छा पैसा कमा के जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सऊदी अरब की सरकार इस मामले में बहुत सख्ती बरत रही है। दोस्तों अगली अपडेट है हमारी सऊदी अरब में हुरूब रिपोर्ट को लेकर के। हुरूब रिपोर्ट को लेकर के बताया गया है कि जिन लोगों के ऊपर उनका कफिल अगर हुरूब लगाता है ना तो फिर 20 दिन के अंदर अंदर अगर कैंसिल करता है तो बड़ी आसानी से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर 20 दिन के बाद उसे कैंसिल करता है हुरूब को 20 दिन के बाद कैंसिल करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और मोबाइल से कैंसिल भी नहीं होगा, उसे मकतब आमिल जाना पड़ेगा, जवाजात जाना पड़ेगा। यानी हुरूब कैंसिल करने के लिए उसे बहुत लंबा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर 20 दिन के अंदर अंदर कैंसिल करता है तो मोबाइल से ही कैंसिल कर सकता है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो जो लोग जिन लोगों के ऊपर उनका कफिल हुरूब लगा देता है तो कोशिश करिए कि आपका कफिल ही कुछ 19-20 करके मैनेज करके हुरूब अगर कैंसिल कर देता है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दोस्तों अगली अपडेट है हमारी सऊदी अरब में उमरा परमिट को लेकर के। पहले क्या होता था कि जब आप उमरा की परमिट बुक करते थे ना तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही आप दूसरी परमिट बुक कर सकते थे, लेकिन अब बताया गया है जैसे ही आपकी एक पहली उमरा की परमिट एक्सपायर होगी वैसे ही आप दूसरी बुक कर सकते हैं। जैसे अभी एक्सपायर हुई तो उसके एक घंटे के बाद आप दूसरी परमिट भी बुक कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपका आज एक्सपायर हो गया कल की आपकी डेट मिल जाती है तो आप 2 दिन में 2 उमरा कर सकेंगे, ऐसा बताया गया है। तो प्रोसीजर वही है सारा, जैसा एतमरना एप्लीकेशन से तवक्कलना एप्लीकेशन से आप बुक करते थे अपना उमरा के परमिट, वहीं से ही आप बुक करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वैक्सीनेटेड होना चाहिए, दोनों डोज वैक्सीन के फिनिश होना चाहिए, उम्र जो है वो 12 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, आप आराम से दूसरा उमरा का परमिट आराम से बुक कर सकेंगे। तो दोस्तों सऊदी अरब में एक नया सिस्टम चालू किया गया है, सऊदी अरब में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जो लोग नॉट वैक्सीनेटेड में सऊदी अरब आते हैं तो उन लोगों को सहूलियत हो जाएगी, उन लोगों को महंगे महंगे होटल्स में अपना क्वारंटाइन कम्प्लीट नहीं करना होगा, बल्कि इन छोटे छोटे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं या फिर प्राइवेट लोग बना रहे हैं इनमें आप कम पैसों में अपना क्वारंटाइन कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको 3-star, 4-star, 5-star होटल बुक करके उसमें क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा बल्कि यहाँ होना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो नॉट वैक्सीनेटेड होते हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और सऊदी अरब में आते हैं तो उन लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों अगली अपडेट है हमारी इंडिया की तरफ से। इंडिया की जो DGCA है ना, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसका एक ही काम है, वो महीने के एंड में आती है एक ट्वीट करती है, वो भी फ्लाइट सस्पेंशन का। फिर से एक ट्वीट आ गया है, बताया गया है कि इंडिया की जो फ़्लाइट है शेड्यूल फ़्लाइट वो 30 नवंबर तक की सस्पेंड है। यानी शेड्यूल फ़्लाइट में वही है, जिनको परमिशन मिलेगी वो चलेंगी, जिनको परमिशन नहीं होगी वो नहीं चलेंगी। तो फिर 30 नवंबर तक के इन्होंने फिर से फ़्लाइट के ऊपर सस्पेंस लगा रखा है। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है महीने के एंड में आना और फ़्लाइट के ऊपर सस्पेंस लगा देना, उसके बाद फिर से जाके सो जाना, बस। इंडिया की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी उसका कोई काम ही नहीं है, हर महीने के एंड में एक ये पेपर देखने को मिल जाता है कि फ़्लाइट के ऊपर सस्पेंस लगा दिया गया। सारी कंट्रियाँ खोलने के चक्कर में है, इंडिया बंद करने के चक्कर में लगा हुआ है, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। दोस्तों अगली अपडेट है हमारी कि सऊदी अरब में 87 यानी 87 ऐसे काम जिनको सऊदी लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, यानी उन कामों के ऊपर अब अजनबी लोग यानी कि हम और आप जैसे लोग काम नहीं कर पाएंगे, उन कामों को सिर्फ सऊदी लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ऐसे कामों की 87 कामों की लिस्ट है हमारे पास, आपको लिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके एक एक करके पढ़ लीजिएगा। मेन मेन काम ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं जो ज़्यादातर खारजी लोग करते थे, जैसे कि किसी दुकान का जो कैशियर है ना जो बिल बना के देता है वो अब अजनबी लोग नहीं हो सकते हैं, खारजी लोग नहीं हो सकते, वो सऊदी ही होना चाहिए।
और दूसरी बात जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है उन पे जो मेन आदमी बैठता है ना, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होगी तो फिर आप नहीं बैठ सकते हैं, उस पे एक सऊदी होना ज़रूरी है। बाकी आमिल की तरह तो लोग रह सकते हैं, लेकिन जो मेन आदमी होगा वो सऊदी होगा। जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, वो जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं काम ना, तो उन कामों का जो सामान बिकता है ना, तो उस सामान की जो दुकान है उन सामान की दुकानों के ऊपर सऊदी बैठेंगे। और लेडीज़ की जो दुकानें हैं जहाँ लेडीज़ का सामान बिकता है, तो उनके ऊपर सऊदी लेडीज़ के लिए वो काम रिज़र्व कर दिया गया है, यानी कि उस पर भी अब अजनबी नहीं रह सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके ऊपर अब अजनबी लोग नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि आमिल की तरह तो काम कर सकते हैं लेकिन मेन आदमी रह बनकर नहीं काम कर सकते हैं। ऐसे पूरे 87 कामों की लिस्ट है हमारे पास, ये पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। अगर ये सारे काम हम आपको एक एक करके गिनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था आप लोगों को 8 ऐसी कंडीशन बताई थी जिनमें से अगर आप एक कंडीशन कंप्लीट करते हैं तो बिना कफ़ील की इजाज़त के आप कंपनी चेंज कर सकते थे। लेकिन उस वीडियो पे कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं आया, इसीलिए मैंने हाउस ड्राइवर वाली वीडियो नहीं बनाई अभी तक। बताया था आप लोगों से कि अगर आप लोग हाउस ड्राइवर हैं यानी कि डोमेस्टिक वर्कर हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें से एक कंडीशन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आप आराम से हाउस ड्राइवर पर भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाउस ड्राइवर कैसे ट्रांसफ़र ले सकता है या फिर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो फिर मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।